वो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन हो रहा था, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई थी। हमेशा की तरह बृहस्पत के निशाने पर थे टीएस बाबा, लेकिन दिल्ली में जब बाबा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में इस पर जवाब दिया। क्या कुछ रहा है सिलसिला, दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए चुनाव ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से बैठा दिया। नतीजे हर किसी को चौंका गए। कांग्रेस जहां पर 75 पार का दावा कर रही थी, उसे कतई अंदाजा नहीं था कि जमीन पर हालात ऐसे बन जाने हैं। कांग्रेस में हार के बाद हर कोई हैरान था, क्या कार्यकर्ता और क्या दिग्गज। खुद डिप्टी सीएम टीएस बाबा बोले, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर ब्लेम गेम चल पड़ा है। इसकी शुरुआत की है पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने। ये वही बृहस्पत सिंह हैं जिन्होंने भरे सदन में टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिया था कि बाबा उन पर जानलेवा हमला करा सकते हैं। बात पुरानी जरूर हो गई, लेकिन अदावत की कहानी ने एक बार फिर से नतीजों के बाद नया रंग लिया है। नतीजों से पहले जहां बृहस्पत सिंह टीएस सिंहदेव को लेकर पार्टी को चेताते हुए ये कह चुके थे कि बाबा महाराष्ट्र के शिंदे की तरह खेल कर सकते हैं, वहीं नतीजों के बाद अब बृहस्पत सिंह की जुबान से बाबा के खिलाफ जहर बुझे तीर चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है, ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं पहुंच पा रहे हो। जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर कामयाजा भुगतना पड़े। इधर जब टीएस सिंहदेव से कांग्रेस के मंथन और बृहस्पत सिंह के गंभीर आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सड़कों पर। टीएस सिंहदेव भले ही इस बयान पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सामान्य प्रतिक्रिया देते दिख रहे हों, लेकिन बृहस्पत सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गरमाया है। देखना होगा कि हार के सदमे से अभी तक बाहर न निकल पाई कांग्रेस इस ब्लेम गेम से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और कांग्रेस सरकार की हार पर पूर्व मंत्री और